लुधियाना के एक व्यक्ति का दावा है कि उसके फास्टैग से पैसे काट लिए गए हैं, जबकि वह घर पर आराम फरमा रहे थे। सुंदरदीप सिंह ने एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें उन्हें यह सूचित किया गया था कि उनके खाते से पंजाब के एक टोल प्लाजा पर 220 रुपये काट लिए गए हैं। फास्टैग एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से टोल भुगतान करने के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। इसे वाहन की विंडशील्ड पर लगाया जाता है और एक प्रीपेड खाते से लिंक किया जाता है। सिंह के मामले में उनके फास्टैग खाते से पैसे काट लिए गए थे, भले ही वह टोल बूथ से नहीं गुजरे थे। उन्होंने जो स्क्रीनशॉट साझा किया, उसमें दिखाया गया है कि 14 अगस्त को लाडोवाल टोल प्लाजा पर टोल के रूप में 220 रुपये काट लिए गए थे। सिंह का दावा है कि वह काफ़ी दिनों से उस रूट के पास नहीं गए। उन्होंने फास्टैग अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की है। सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट के बाद कमेंट सेक्शन में देश भर के लोगों की इस पर रिएक्शन आ रहे हैं, जो इस तकनीक पर पूरी तरह से निर्भर रहने की कमियों को उजागर करता है। एक यूज़र ने लिखा, हमारे साथ पिछले एक साल से ऐसा ही हो रहा है। कोई और कार हमारी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर इस्तेमाल कर रहा है, उनके सभी चालान और फास्टैग कटौती हमारे पास आ रहे हैं। अनगिनत पुलिस स्टेशन और बैंक शाखाओं में जाने के बाद हमने इसे एक अलग घरेलू खर्च के रूप में मानना शुरू कर दिया है। और एक और यूज़र का दावा है कि उसकी कार गुजरात में होने पर उसके फास्टैग पर आंध्र प्रदेश में शुल्क लगाया गया था। और सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद फास्टैग ने सुंदरदीप सिंह को जवाब दिया है और उनसे फास्टैग से गलत कटौती की जानकारी अपनी बैंक को देने का आग्रह किया। फास्टैग NETC के अकाउंट से जवाब दिया गया, नमस्ते, कृपया गलत कटौती की समस्या की रिपोर्ट करने के लिए जारी करने वाले बैंक की ग्राहक सेवा डेस्क से संपर्क करें, वे आपकी शिकायत की समीक्षा करेंगे और गलत तरीके से काटे गए किराए के लिए इसके आधार पर चार्ज बैक करेंगे। धन्यवाद।